आज मैं आप लोगों के साथ फ्रेंच फ्राई यानी कि पोटैटो फ्राई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको मैंने बिना उबाले और बिना सुखाए बनाई हुई है और ये बहुत ही जल्दी बन करके तैयार भी हो जाता है। ये पोटैटो फ्राई बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, यानी कि उन लोगों का जो होता है पहली पसंद जो है फ्रेंच फ्राई ही होता है। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो आलू ले ली है, ये बड़े साइज़ का आलू है। कोशिश करें कि आलू बड़ा ही हो तो अच्छा बनता है। तो मैंने यहाँ पे दो बड़े साइज़ के आलू ले लिए है। अब इस आलू को क्या करेंगे कि इसका जो छिलका है निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें इसका छिलका पूरा निकाल लेना है और उसके बाद पास में ही पानी रखे, नहीं तो ये बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। तो इसको छिलका निकाल करके इसको पानी में डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर दोनों आलू का छिलका जो है अच्छे से निकाल ली है। अब इसका क्या करेंगे कि इसको अच्छे से पानी से धो लेंगे, पहले पूरा अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो देखिए मैंने आलू को साफ़ कर लिए है। अब इसको क्या करेंगे कि कट करेंगे। तो देखिए इसको कैसे कट करना है, पहले बीच में से या फिर ऐसे साइड से पहले कट करेंगे। देखिए इस तरह से हमें कट करना है और उसको ऐसे कट करना है हमें। इसको ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है, नहीं तो इसको अगर फ्राई करेंगे तो फिर वो टूट सकता है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें रखना है, ना ज़्यादा मोटा रखेंगे ना ज़्यादा पतला रखेंगे, इस तरह से रखेंगे हमें, इसे रखना है। तो इसी तरह से बाकी सभी काट लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे आलू को ऐसे काट ली है और इसको अच्छे से पानी से मैंने धो ली है। तो इस तरह से हमें काट लेना है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने एक कपड़ा ले ली है, ये कॉटन का है। तब इस पर क्या करेंगे कि इसको रख देंगे, इसको रख देंगे ऐसे चारों तरफ से ताकि इसका पानी जो है पूरा अच्छे से सूख जाए। तो इसको सुखाने के लिए मैं यहाँ पर एक टिश्यू पेपर ले रही हूँ और इसको ऐसे ऊपर रखेंगे ताकि जो उसका ऊपर का पानी है पूरा ये टिश्यू पेपर जो है सोख लेगा। तो इस तरह से हमें इसको कर लेना है। अब यहाँ पर मैं एक बर्तन में ले रही हूँ 5 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर के जगह पे चावल के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर मैं डाल रही हूँ और स्वाद के अनुसार नमक। मैं यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ और इन सबको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे हमें फ्राई करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे तेल रख दी है गर्म होने के लिए। तेल भी देख सकते हैं कि अच्छे से गर्म हो गया है। हमें तेल को गर्म ही रखना है ताकि अच्छे से वो फ्राई हो। तो अब क्या करेंगे कि आलू जो है ये जो कॉर्नफ्लोर है उसमें मिला लेंगे और मिला करके इसको ज़्यादा हमें मिलाना नहीं है, बस थोड़ा मिलाना है। देखिए दिखा रही हूँ, हमें ऐसे मिलाना है ताकि पूरा चारों ओर से अच्छे से ये कोट हो जाए, ऐसे हमें करना है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, गर्म तेल में डालेंगे। तो इस तरह से एक एक करके डाल करके इसको हमें फ्राई कर लेना है। आंच को तेज़ी रखेंगे, तेल अच्छा से गर्म हो तो ये अच्छे से फ्राई होता है। और इसको हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, यानी कि गोल्डन कलर इसको ज़्यादा हमें नहीं करना है। बस इसको ऐसे डाल करके ऐसे चलाते हुए इसको थोड़ी देर बस इसको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें ऐसे फ्राई कर लेना है। देखिए ज़्यादा इसको हमें गोल्डन कलर नहीं करना है, ऐसे फ्राई कर लेना है क्योंकि हमें इसको एक बार और फ्राई करेंगे। तो देखिए मैंने इसका सारा तेल निकाल लिया और इस छन्नी में निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी सारे जितने फ्राई किए हुए हैं सबको ऐसे ही निकाल लेंगे। थोड़ी देर इसको ठंडा होने देंगे। जैसे ही थोड़े से ठंडा हो जाए अब क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे दूसरी पर फ्राई करने के लिए तेल यहाँ पर गर्म कर दी है और इसी तेल में फिर क्या करेंगे कि उसको डालेंगे। तेल पूरा गर्म होना चाहिए और मीडियम फ्लेम पर, अगर ज़्यादा तेल गर्म है तो इसको मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे यानी कि फ्राई करेंगे। तो देखिए तेल जो है गर्म है और इसमें डाल करके इसको अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा आंच को मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे तो ये क्या होगा कि अंदर तक पकेगा और अंदर तक पकेगा तो ये ज़्यादा कुरकुरी यानी कि क्रिस्पी बनेगा। तो इस तरह से हमें इसको फ्राई कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पूरा आलू है पूरा अच्छे से फ्राई हो गया है। इसका कलर देखिए गोल्डन कलर में आ गया है। तो हम इसी तरह से फ्राई करना है। देखिए कितना बढ़िया फ्राई हुआ है। तो इसी तरह से हमें इसको फ्राई कर लेना है। इसी तरह से बाकी बचे हुए भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे देखिए पोटैटो फ्राई कर ली है, यानी कि हमारा फ्रेंच फ्राई जो है बन करके तैयार हो गया है। आज की फ्रेंच फ्राई यानी कि पोटैटो फ्राई की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और वीडियो अगर अच्छी हो तो एक लाइक करें और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।